ये सब अच्छा। ठीक है, तो ये जो सम है यस सर। 16 पावर माइनस 1/5 होल पावर 5/2, 16 जब भी ऐसा नंबर आए तो इसको प्राइम के पावर में कन्वर्ट कर लेना। प्राइम के पावर में मतलब 2 का पावर, 3 का पावर, 5 का पावर, तो उसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे हम। उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद में हम इसको जो है सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। तो 16 जो है वो किसका पावर हो सकता है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद में? 16 जो है नहीं सर, प्राइम वो नंबर फाइंड करना है। फैक्टर प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो टू 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 पावर, पावर फोर। वेरी गुड वेरी गुड, सो 2 पावर 4 माइनस होल पावर माइनस 1/5 पहले से ही है, और द होल पावर और एक एक 5/2 है वहां पे, है ना? तो यस इसमें क्या सर। होगा, जितने भी ये पावर्स आए हुए हैं हमको यहाँ पे, यस सर। तो उसको भी जो जो ऊपर पावर में जो भी फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट होने के बाद जो कैंसिल हो सकता है, जैसे यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो यस ये सब अपन करना है। ठीक है, राइट? तो यस ये करने के बाद में इक्वल टू जो है लिख के नेक्स्ट स्टेप होगा 2 स्क्वायर, और एक माइनस है, जो भी बचा हुआ उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 2 पावर -2 आएगा। ठीक है, आएगा ना? यस अभी यस इसको सर। इसको हम कैसे लिखना, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना कैसे लिखेंगे इसको? माइनस है ना पावर में, तो उसको कैसे लिखना? माइनस व्हाट इज ए पावर? वन हाँ वेरी गुड, ए पावर माइनस 1 को हम कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? ए पावर माइनस 1 को कैसे लिखते हैं हम फ्रैक्शन में, कैसे लिखेंगे? अभी वही है। वन बोली बाई तुम, ए पावर हाँ वन 1/a नहीं पावर 1 सर, या 1/a, हाँ करेक्ट है सर ये। सेकंड का फर्स्ट सम ही है ना। हाँ तो 1 मिनट रुको, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। अभी ये 1/ क्या होगा वो बोलो, 1/ इसको देख के बोलो क्या होगा, 1/2। 1/2 स्क्वायर यानी 1/4, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओके, नेगेटिव था इसलिए वो नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा जो तो हमारा प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम है क्यूब रूट ऑफ 343 पावर -2। ओके, एंड थ्री फोर्टी थ्री सर। कैन बी कन्वर्टेड इनटू 10^3 पावर -2 होल पावर 1/3, सो अप टू दिस यू हैव अंडरस्टूड। ओके, होल पावर 1/2। 1/3 ना, क्यूब रूट है ना, कौन सा रूट है देखो, यस सर। क्यूब रूट। क्यूब रूट है तो 1/3 आएगा, स्क्वायर रूट है तो अच्छा 1/2 आएगा। यस ये ध्यान रखना है, ये चीज ही यहाँ पे नया तुमको 9th में है सीखने का। ठीक है, यस यस। नेगेटिव 2/3। क्यों? देखो मैं बताता हूँ, 10^3 × -2 × 1/3। ओके समझी, समझी क्या? यस सर। आप इस 3 को कट करना। ओके, तो इट इज 10^-2। ओके, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट? फाइनल स्टेप यू से, सो 10^-2
is 1 by 7 square, okay, which is equal to 1 by 49, okay, right? समझ रही हो ना इसको? Now third sum. Now shall we continue third sum? Any problem in this? Hello? Yes, sir. So it is 0.001 the whole power 1 by 3. Okay? Yes, sir. So now we are doing second third sum 0.001 whole power 1 by 3. So what is 0.001? Fractional form you say? 1 by 1000. Okay. So yes. 1 by 1000 in power form, exponent form, you say what you can write for 1 by 1000? 1 by 10 cube. हाँ, 1 by 10 cube. Okay, so the whole power 1 by 3, and this is just nothing but 1 by 10, the whole power 3 into 1 by 3, or ना 1 by 3 already है, so final answer होगा 1 by 10. और एक-एक इसको scientific notation use करके करते हैं, देखो last year में scientific notation सिखाया था, okay? तो उसके हिसाब से कैसे करना मैं वो भी बता दे। 0.001 the whole power minus whole power 1/3 होगा। तो अभी उसको जो है मुझे पहले ये बता, साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से 0.001 को हम कैसे लिख सकते हैं? यार जब भी पॉइंट आएगा ऐसे और पॉइंट को हम राइट साइड में मूव करेंगे, कितना डिजिट मूव करते हैं राइट साइड में उतना पावर, नेगेटिव पावर लेंगे, तो ये जो पॉइंट है वो हाँ, एक डिजिट, टू डिजिट और थ्री डिजिट मूव होने वाला है, सो इट इज 10 पावर माइनस 3, ओके, 1 × 10 पावर माइनस 3, एम आई करेक्ट? 1 × 10 पावर माइनस 3, हम साइंटिफिक नोटेशन का ये 1 × लिखने का एक जो है रूल है, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे 1 × 10 पावर माइनस 3 द होल पावर 1/3 ऐसे लिखेंगे, और फाइनली ये होगा 10 पावर माइनस 3 × 1/3, और ये दोनों 3 कैंसिल होने के बाद में 10 पावर माइनस 1 बचेगा, 10 इनवर्स, उसका मतलब है कि 1/10, समझ में आ गया? यस, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट ले लें। Yes, sir. What is the next sum? Can you say? Yes, sir. 25 power 3/2. Yeah. Into 243 power 3/5 by 16 power 5/4 into 8 power 4/3. अब जब इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, 25 पर 3/2 है ना, जो भी नंबर हम देख रहे हैं वहां पे उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है पहले, सो 25 इज नथिंग बट 5 स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड, सो 5 स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे पावर में, इंटू 3/2, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट इज द दिस थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 5, वेरी गुड। हम एक्चुअली उसको देख के ही समझ सकते हैं क्योंकि 243 पावर 3/5 है ना, उसमें डिनोमिनेटर 5 है, तो मोस्टली ऐसे कैंसिल होने वाला जैसे ही नंबर वहां पे देते हैं, तो थोड़ा उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? यस सर, राइट, सो इट इज 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4, वेरी गुड, इनटू 2 क्यूब बाय 4/3, वेरी गुड।
now. Now this is clear to you, okay? Isn't it? Yes, sir. So next yes, step sir. It is 5 cube, okay? In the numerator it is 5 cube into 3 power 3, okay? And this is 2 power 5, okay? 5 into 3, 2 power 4, okay? 4. Right? Yes, understood sir. This? So yes, now sir. This is equal to, you can do this. Yes, sir. You can expand and multiply also you can do. So it is yes, 5 cube. 5 cube is what? 5 cube is? 125. Very good. 125. 27. 27. Or we can just write the 15 the whole cube. If you know the 15 cube, then you can do easily. And this is 2 power 9, total 2 power 5, and this is also 2 power 4. Therefore, it is 2 power 9, okay? And already we remember that, what is 2 power 9, okay? You remember or not, 2 power yes, 9 sir. Is what? So, we remember this, right? So, yes, sir. 15 cube is 3375, okay? 3375, directly yes, we can write. Or if you multiply 125 into 527, you will get 3375. 3375 is the cube of 15. And 2 power 9 is 512. Okay, this is we have remember already. So, yes, our work is less. Okay, right? So, that's yes, it sir, in yes. this term. Okay. So, our sum is square root of 2 by 5 the whole power 8 divided by square root of 2 by 5 the whole power 13. Okay? So, kabhi bhi aisa sum aaye to pehle problem ko achhi tarah se dekhna. Theek hai? Aur jaldi usko karne ka hamara ko sochna hoga trick. Yahan pe wo kaun sa trick hai? दोनों का बेस देखो जो भी दोनों नंबर है उसका बेस देखो सेम है देखो है ना yes, जब भी ऐसा सम आए तो हम एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे yes, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n और डिनोमिनेट में अगर पावर ज्यादा है तो ये वाला लॉ यूज करेंगे a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n okay if n is greater than m then it is a 1 by a power n minus n m if yes. a if n is greater than n okay m to ye wala yes. rule hum use karenge to iska answer hoga 1 by root 2 by 5 root 2 by 5 okay ha huh? yes 1 by root 2 by 5 power 13 minus 8 okay right clear so it is 1 by root 2 power 5 root 2 power 5 root 2 पावर 5 और डिनोमिनेटर में 5 पावर 5 ओके तो क्या होगा ये जो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चले जाएगा ये ऊपर चले जाएगा ठीक है हां और हमारे पास क्या बचेगा क्या बचेगा 5 पावर 5 बाय रूट 2 पावर हाँ रूट 2 पावर 5 है तो देखो कभी भी इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रूट 2 का पावर 5 तो रूट 2 इनटू रूट 2 2 हो जाएगा ठीक है वैसे ही रूट 2 इनटू रूट 2 2 हो जाएगा मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूँ 5 है इसलिए हमने एक्सपेंड कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है यस सर ओके So, it's put root 2 into root 2. So, root 2 power 5 जब भी आए तो उसको इसको माइंड में कर सकते हैं ठीक है तो मैंने तुमको करके बताया इसको
और 5 पावर 5 का हम मल्टीप्लाई करके 5 पावर 4 हमको पता है 625, 625 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा करके बताओ मुझे, 5 पावर 5 का, और नीचे जो होगा इसका होगा 2 और इसका होगा 2, होगा 4√2, ओके। और न्यूमरेटर में 5 पावर 5 जो है वो क्या होगा, सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव मुझे याद है, तुम बोलना, मल्टीप्लाई करके चेक करो ये आ रहा है क्या, यही आ रहा है ना? यस सर। ओके व्हाट कैन वी डू, हाउ टू डू नाउ दिस इज सर, अभी पहले अंदर अंदर जो है उसको ले लेते हैं, 5 पावर -1 है ना, तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं और 7 का पावर ऊपर लेके आते हैं, तो होगा 7 पावर 2 प्लस 4, ओके, और डिनोमिनेटर में होएगा 5 पावर 2 प्लस 1, ओके, नाउ द होल पावर 7/2, ओके, क्लियर? यस सर। मल्टीप्लाइड बाय, इसमें ऐसे ही होगा, 10 का पावर ऊपर आएगा, तो इट इज 10 पावर 8 होगा, ओके, 3 प्लस 5 होगा, ओके, और डिनोमिनेटर में आएगा 5 पावर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 होल पावर 5/2, ओके, ये होने वाला है इसका, -5/2 है ना, -5/2, नाउ दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज नेक्स्ट, इज 10 पावर 8, ओके, 7 पावर 8, डिनोमिनेटर में होगा 5 क्यूब, ओके, 5 क्यूब, एंड दिस इज होल पावर 7/8 इनटू 10 पावर 3 प्लस 5, 10 पावर 8, सॉरी यहाँ पे 6 था ना, 4 प्लस 2 6 था, तो तुमने बोला नहीं, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से करते हैं इसको, 7 पावर 2 प्लस 4 होगा 10 पावर 6, और यहाँ पे होगा 5 क्यूब होल पावर 7/2, ओके, राइट, इनटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 पावर 5, ओके, इन पावर -5/2, अभी इस पार में नेगेटिव होने की वजह से ध्यान देना, नेगेटिव होने की वजह से अंदर जो नंबर है वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो उसको हम कैसे करेंगे, नाउ दिस इज इक्वल टू 10 पावर 6, पहले पावर को हम सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं, ओके, हाँ, ऐसा भी कर लेते हैं, सेवन पावर 16 × 7/2, 5 पावर 3 × 7/2 इंटू, या इसको उल्टा कर लेते हैं, मैंने बोला उल्टा कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी 5 का पावर ऊपर आ जाने से वो माइनस लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो 5 बाय लिख लेंगे, 5 पावर 5 इनटू 5/2, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं 7 पावर 8 × 5/2, ओके, यस, अभी क्या बचता है उसको कर लेते, तो इसको आएगा 7 पावर 3 × 7/2, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बाई टू कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 5 पावर 25/2, ओके, डिनोमिनेटर में इसको 5 पावर 21/2 इंटू 10 पावर 4 × 5, 10 पावर 4 × 5, ओके, सो दिस इज
ऊपर 5 का पावर बड़ा है और ऊपर ले आते हैं 5 पावर 25 बाई 2 माइनस 21 बाई 2 ओके एंड 7 पावर 20 वो भी ऊपर बड़ा ही है 7 पावर 21 ऊपर है ओके सो इट इज 7 पावर 21 माइनस 20 7 पावर 1 So which is equal to 5 power 4 by 2 into 7 is 5 square into 7 25 into 7 175 आ रहा है इसका Yes sir 175 No. 25 into 7 is 175 only. So 25 into 4, 8 जो 200 होगा. So ये answer बराबर इसमें.